एवरेज लाइफ या मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंसानों की तरह है, किसी की लाइफ कितने साल है, किसी की कितनी साल है, कोई 100 साल तक जीता है, एवरेज लाइफ है 60-70 साल के आसपास, ह्यूमन लाइफ की एवरेज लाइफ है, सिंपल है, ठीक है। तब इस केस में एटम का भी ऐसा ही है, कोई रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लाखों एटम थे, स्टार्ट हुई, एक एटम उसी टाइम टूट गया, वो कहता है नंबर पहले ही आ गया यार, अभी तो शुरू भी नहीं हुई थी, मेरी एज क्या है, जीरो, और कोई एंड तक चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट 10-10, 100-100 साल, 5,000 साल तक चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही, तो जिसकी लाइफ क्या है, इन्फिनिटी। तो एटम की लाइफ डिफाइंड नहीं है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी लाइफ हो सकती है, उसकी एज कुछ भी हो सकती है। हमने क्या निकालना है, उसकी एवरेज एज निकालनी है। अब एवरेज एज में क्या होगा, एवरेज एज में हम ऐसा करेंगे कुछ, इसमें एवरेज एज की कैलकुलेशन ऐसी की जाती है, इमेजिन करो आप सब एटम्स हैं, मैं भी एटम हूँ, मेरी लाइफ मान लो टी इज इक्वल टू जीरो है, बस स्टार्ट होते हैं, तो मैं ही टूटता हूँ, डिसइंटीग्रेट होता हूँ, ये मान लो 2 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 3 साल में, 4 साल में, 5,000 साल में। तो मैंने एक रजिस्टर लगाया, सभी लोगों की एज पूछ ली, भाई तेरी कितनी है, कहता 0, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 10 दिन, नोट कर ली, फिर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से उसको डिवाइड कर दिया, हर की एज बराबर कर दी मैंने। तो यही तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एवरेज एज को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एज ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम जो इनिशियली प्रेजेंट थे। तो अगर मैं टोटल एज बता दूं, हर एटम की टोटल एज बताता जाऊं, वो इंटीग्रेशन से करेंगे हम सॉल्व, तो अगर मैं सब सारे एटम की टोटल एज बता दूं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दूं, तो हर एटम की एवरेज एज आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो अब एज निकलेगी कैसे, टोटल एज कैसे निकलेगी, इसको देखते हैं। टोटल एज निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, आप इमेजिन करो आपके पास एक मान लो एन नॉट नंबर ऑफ एटम थे एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ एटम कितने थे, एन नॉट थे। मान लो टाइम टी हो गया, मान लो अभी टाइम क्या हो गया, टी हो गया, टी टाइम में कितने एटम बच गए, एन एटम्स बच गए, ठीक है, तो ये बच गए, ये जी रहे हैं अभी, मरे तो नहीं अभी, तो इनकी एज गारंटेड कम से कम टी तो पक्का ही है, अभी इनको टूटना है, तो टी तक तो जी गए ना, तो इतनी एज तो है ही इनकी। अब इन एन में से कुछ एटम्स का नंबर अगला आ गया टूटने का, अगले का मतलब एट टाइम टी प्लस डी टी, अगले डी टी टाइम में इनका नंबर आ गया डी एन, टूट जाएंगे, स्मॉल नंबर ऑफ एटम टूट जाएंगे, तो डी एन की एज गारंटेड कितनी होगी, टी प्लस डी टी, तो इतनी एज तो डी एन की है ही है, तो इन स्मॉल डी एन की एज टी प्लस डी टी, लेकिन टी के सामने, टी बहुत है यार, टी बहुत होता है, टी के सामने डी टी निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो करेंगे, तो डी एन एटम की एज क्या मानी जाएगी, टी। तो टोटल एज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टी एज है डीएन एटम की, टी और डीएन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं क्या करूंगा, डीएन की एज जो भी सैंपल लूंगा डीएन, उसकी एज से उसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, एन की लिमिट क्या है, जीरो से एन नॉट तक सभी एटम के लिए कैलकुलेशन करूंगा, पर प्रॉब्लम यह है कि इसमें टाइम भी और नंबर ऑफ एटम भी है, तो इसको टोटल नंबर ऑफ एटम से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ एटम और एटम कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास टाइम की आंसर आ जाएगी। तो आपने करना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपने आपने सीधा लिखना है ऑन इंटीग्रेशन, अगर बाई चांस अगर सीबीसी में है चेक कर लेना, कुछ नहीं करना, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट सीधा, क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होती है, जो मैथ्स वालों को करवाई जाती है, मेडिकल में है नहीं, तो इसलिए थोड़ा कम आता है सिलेबस में। तो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट टाउ इज इक्वल टू 1/लैम्डा। अब क्योंकि ये नेचर ऑफ एटम पे ही डिपेंड करेगा, जिसका लैम्डा ज्यादा है वो जल्दी टूटेगा, उसकी एज कम है, जिसका लैम्डा कम है वो लेट टूटेगा, उसका टाइम ज्यादा है टूटने का, तो उसकी एज भी ज्यादा आएगी। तो फॉर्मूला आ गया, एवरेज लाइफ क्या होती है 1/लैम्डा, लेकिन हमने ये किया था लैम्डा क्या होता था 0.6931/2 लाइफ पीरियड। तो आप इसको उठा के यहां पुट करके ये फॉर्मूला नोट कर लें, एवरेज लाइफ क्या होती है 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड कितना है, कैपिटल टी, इसको 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज लाइफ जो होती है किसी भी एटम की, उसके हाफ लाइफ को 1.44 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। बस ये फॉर्मूला नोट करें।